गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मेक ओवर टाइम। आज 12 बजे के पहले उठ गई हूँ मैं। कहाँ मैं सुबह सो के उठा करती थी जल्दी जल्दी, बट अभी ऐसा हो गया है कि मैं 11:30, 12:30 बजे सो के उठती हूँ। क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था, हमारे घर पे छोटू बेबी है जो सारी रात हम लोग को जगाता है। सो मैं सुबह 8-9 बजे के आसपास सोने के लिए जाती हूँ, तो वही 2-3 घंटे की नींद हो पाती है मेरी। तो आज है मेरा बर्थडे, मैं सुपर सुपर एक्साइटेड हूँ, काफी हैप्पी भी हूँ। लेट्स सी किस तरह से जाने वाला है मेरा दिन। सारा कुछ अनप्लान्ड है, कुछ भी प्लान नहीं किया है क्योंकि सब इतना बिजी रहते हैं घर पे, तो कुछ मुझे नहीं लगता कि आज हो पाएगा ज्यादा कुछ। केक कटेगा इतना मुझे पता है, बट अभी सब लोग के फोन आ रहे हैं मुझे विश करने के लिए, काफी सारे मैंने मैसेजेस देखे एंड थैंक यू सो मच गाइज। कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को नहीं पता है, बाकी जो मुझे विश करेंगे बाद में तो उन सबको मैं अभी बोल देती हूँ थैंक यू सो मच। एंड उन लोगों ने कुछ प्लान किया है मेरे लिए, तो कहीं लेके जा रहे हैं वो, मुझे नहीं पता अभी कहाँ जा रहे हैं। मुझे हेयर वॉश करना है, अभी जल्दी से नहाना धोना है, देन रेडी होना है, और आधे पौन घंटे के अंदर मुझे तैयार होकर खड़े रहना है, वो लोग आएंगे मुझे पिक करने के लिए। सो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बाय। ना मैं कॉम कर पाई हूँ, ना मेरे हेयर ड्राई हो पाए हैं, और सिंपल से मैंने मेकअप क्या किया है, लिपस्टिक लगा ली है मैंने एंड आईब्रोज कर ली है, दैट्स इट। शाम हो रही है और सूरज ढल चुका है, हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगी है एंड मैं पूरी फुल हो चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने खा लिया है, जितनी मेरी डाइट नहीं है उससे ज़्यादा। खाना बहुत टेस्टी है। अभी मैं हूँ यहाँ पे न्यू भेड़ाघाट के गोपाला रेस्टोरेंट में, मुझे खाना यहाँ का बहुत टेस्टी लगा, सच में यमी था, तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया आज का सारा दिन क्या, अभी आधा दिन हो चुका है। लेट्स सी शाम की क्या प्लानिंग है, बट ये प्लेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम के बाद घर से बाहर निकलो और इस तरह की आउटिंग होना बहुत मज़ा आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड बर्थडे मॉर्निंग एंड आफ्टरनून इस तरह का हो तो वाह। यार थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही हूँ, काफ़ी चहलकदमी की मैंने। व्लॉग के लिए मैंने कुछ शूट नहीं किया है, थोड़ा मैं चाहती थी मी टाइम, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, तो बस वही काफ़ी अच्छा भी लगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ क्योंकि रात भर छोटू बेबी ने जगाया है। कल तो मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं मिला है, मैं सुबह सुबह ही सो पाई हूँ, थोड़ा सा 2-3 घंटे की नींद। तो रात की नींद की बात ही अलग होती है यार, रात की नींद ही होती है, और 2-3 घंटे में मेरा कुछ नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही है। आई नीड अ कॉफ़ी नाउ। तो अब जा रहे हैं हम घर, काफ़ी अच्छा रहा मेरा हाफ पार्ट डे का। अब देखते हैं घर जाके नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, काफ़ी अच्छी तरह से बाल ड्राई हो चुके हैं मेरे एंड मैंने काफ़ी इन्जॉय किया है यहाँ पे। हल्का सा हेडेक हो रहा है मुझे और घर पहुँचने में काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 1 और 1.5 आवर तो लग ही जाएंगे या इससे कम भी। सो चलिए मिलती हूँ मेरे घर पर,
बाय। विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम ज्यादा दिन और अच्छे तंदुरुस्त होकर जियो, यही हो कामना है। थैंक यू। हाँ राइट, तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ। एक घंटे के अराउंड हमको लग गया है एंड काफी टायर्ड और स्लीपी मैं फील कर रही हूँ। थोड़ा सा सोना चाहती हूँ। शाम का भी मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ तो कुछ ऐसा माहौल नहीं लग रहा है, बट इतनी देर बाद मैंने छोटू बेबी को देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहीं भी चली जाती हूँ, चाहे मुझे कॉलेज जाना हो या मार्केट जाना हो या कहीं पे भी, अगर थोड़ी देर के लिए भी मेरे आंखों के सामने नहीं होता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कब मैं उसको देख लूं, कब मेरी आंखों के सामने आ जाए, मैं उसे खिला लूं। बहुत मिस करती हूं मैं उसे। सो सबसे पहले घर आते साथ मैं उससे मिली, अभी मुझे अच्छा लग रहा है। और आई एम गोइंग टू टेक सम स्लीप, मिलती हूं थोड़ी देर बाद, बाय। फूड वॉज यम, बहुत अच्छा एम्बियंस है यहाँ का एंड क्लीनलीनेस वगैरह सारी चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे, काफी टाइम से हम लोगों ने प्लान कर रखा था और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया रेस्टोरेंट। काफी एलिगेंस एंड क्वालिटी इन लोगों ने मेंटेन की हुई है। वैसे कोई पेड प्रमोशन नहीं है, एक्चुअली मैं अपने व्यूज आपको बता रही हूँ यहाँ पे, कि कभी अगर आप आओ ट्राई करना चाहो तो आप डेफिनेटली ट्राई करो। जो फूड के चार्जेस है ना, प्राइजेस वगैरह, वो बहुत सही है, मैं कह सकती हूँ वैल्यू फॉर मनी है। So yeah, I enjoyed the food a lot. और ये बिट्टू वाला सेक्शन मैं फिनिश करने वाली हूँ। ये मेरा केक का पीस। गाइज अब बच चुके हैं 12 और अब है मेरे पापा का बर्थडे। यस 17 फरवरी को मेरा बर्थडे होता है, देन 18 फरवरी को पापा का, देन 19 को मामा का, 20 को मामी का। अगर हम देखें ना तो 15-16 दिन फरवरी के हमारे ऐसे ही चले जाएंगे पार्टी मनाते मनाते, क्योंकि किसी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है और मोस्टली लोगों के बर्थडे होते हैं। सो चलो विश करते हैं पापा को। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। हल्ले में उड़ गया ये बच्चा। अच्छा भूखी आई है बाबू को। भैया मेरा छोटा सा भैया बहू बना हुआ है। बहू बना हुआ है। सबसे पहले रेडी हो गया था ना भैया, शाम को 4 बजे से रेडी होके बैठा था ना मासी की बर्थडे पार्टी के लिए। भैया अब निन्नू आ रही है, अब सोना पड़ेगा, 1 बज गया है। नहीं हम तो रात में जागते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं हम, है ना। चलो जाओ, चलो मम्मी इसकी ड्रेस चेंज कर दो, आप काफी टाइम से वो पहन के बैठा हुआ है, थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। बाय बाबू, बाय बाय बाय। आई लव इट, वन ऑफ माई फेवरेट स्वीट्स, यू नो। कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना, आपका बर्थडे हो, सारे काम आपके मन के हो रहे हो, सब आपको इतना यू नो इम्पोर्टेंस दे रहे हो, एक दिन का राजा नहीं, राजा नहीं एक्चुअली क्वीन ऑफ द डे, बहुत अच्छा लगता है। बट अभी बच चुके हैं 1, मेरा बर्थडे जा चुका है, नेक्स्ट ईयर आएगा, बट मैंने बहुत इंजॉय किया एंड काफी सारे गिफ्ट्स भी मुझे रिसीव हुए हैं आज। नाना जी के यहाँ गई थी तो नाना जी ने भी दिया, मामी लोगों ने भी मुझे दिया है, भाई साहब ने, मेरी सिस्टर ने एंड डिबू डार्लिंग ने, आप मिल चुके हो व्लॉग में, और बुआ लोगों ने मेरी, बहुत सारे मुझे गिफ्ट्स मिले हैं। तो क्या प्लान है, देखना है
अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, मुझे पता है आप लोग में से काफी लोग इंटरेस्टेड हो गए, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ कि मुझे क्या क्या गिफ्ट मिले बर्थडे पे। सो मोस्ट प्रोबेबली मैं उसी दिन अनबॉक्स करूंगी एंड आपसे शेयर करूंगी, या अगर मुझसे ऐसा हुआ कि सब्र बिल्कुल भी नहीं हुआ ना तो मैं भी खोल डालूंगी। या अभी तो जागती तो रहती है रात भर, छोटू बाबू जगाता है रात भर, तो हो सकता है शायद मैं इन्हें सब खोल खाल के देख लूं मुझे क्या क्या मिला है। सो चलो देखते हैं, जैसा भी होगा बताते हैं फिर। गाइस आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, हमारे चैनल ने कंप्लीट कर ली है 48,000 सब्सक्राइबर्स। ये मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे बर्थडे के दिन मुझे ये इतनी अच्छी गुड न्यूज मिली है। मैंने अभी चैनल ओपन करके देखा तो आई एम श्योर कि वो 12 बजे के पहले कंप्लीट हो चुके होंगे। सो बर्थडे के दिन 48,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करना अमेजिंग यार, मेरे एक माइलस्टोन है 50K सब्सक्राइबर्स का। प्लीज 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 मुझे सपोर्ट करो, हेल्प करो ना, काफी अच्छा लगेगा। हम बहुत जल्दी जल्दी अचीव कर लेंगे वो माइलस्टोन भी, आई थिंक सो, आई होप सो। एंड इस व्लॉग को मैं यही एंड करूंगी, आई होप आपको ये छोटू सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जी हाँ जरूर करना है, गिरा जा रहा है, बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि जो भी मेरे वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। सोशल मीडिया पे ट्राई करना ना मुझे फॉलो करने का, मुझे अच्छा लगेगा। वहां पे भी सपोर्ट करो, वहां पे भी मुझे प्यार दो, ठीक है? आपको सोशल मीडिया की जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी एंड स्क्रीन पे भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, लव यू।